हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और सर्दियों का टाइम है, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा शाम सी रात सी हो गई हो, मतलब अंधेरा हो जाता है ज़्यादा जल्दी से। तो अभी 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं अपने लेटी हुई हूँ, देखिए रजाई में बैठी हुई हूँ रजाई में, और यहाँ ये नमकीन खा रहे हैं, बेटर नमकीन खा रहे हैं। मीठी लग रही है इसमें। तो भाई वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो वीडियो में फुल बनी रहिएगा। तो जी यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह धोए थे मैंने, तो उनको घड़ी करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी रजाई को उठा के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं लेटी हुई थी हम दोनों और बेटू हम दोनों, क्योंकि ठंडी में अच्छा लगता है थोड़ा लेट जाओ दोपहर में काम वाम निपटा कर। तो बस यहाँ मैं अपने सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ, उनको घड़ी करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने किचन में जाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी सब्जी में पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी, तो बस वही मैं कट करूँगी। तो बस आप लोग वीडियो में फुल बनी रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ मैं पत्ता गोभी ही बना रही हूँ और मटर। अगर पत्ता गोभी खाली बनाओ ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, अगर थोड़ी सी ये मटर भी ऐड कर दो ना उसमें तो बस टेस्ट ही अलग से आता है, बहुत अच्छा। तो मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं मुझे, जैसे कि आलू के पराठे, आलू मटर पत्ता गोभी की सब्जी, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, अच्छी लगती हैं और सर्दियों में ही आती हैं। तो बस यहाँ मेरी सब्जी वगैरह मैंने सारी काट के रख दी है। तो मैंने सोचा ये डला रखा हुआ था भरा, सुबह बर्तन धोए थे तो सुबह का ही धरा हुआ था बर्तन मंजे मंजाए, तो बस इनको लगा देती हूँ मैं, तो जिससे थोड़ी सी पटिया खाली हो जाएगी। तो फिर मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। इस सबसे पहले इनको बर्तनों को मैं लगा देती हूँ, सब्जी को मैंने काट लिया है। तो किचन भी ऐसी लगती है ना सूनी सूनी सी, अगर किचन में बर्तन वगैरह नहीं लगे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सूना सूनापन सा लगता है। तो बस यहाँ मैं अपनी पटिया को खाली कर दी और मैंने अपनी रख दी है कढ़ाई। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल, ऑयल गर्म हो जाने के बाद डालूंगी मैं लहसुन। तो मैं लहसुन को छील रही थी यहाँ पे, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस हल्का सा जीरा और लहसुन, और फिर अपने पत्ता गोभी को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डालकर डाल दिया है लहसुन, चटर पटर बोल रहा था। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैंने अपना पत्ता गोभी आलू मटर, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है पानी में, डिप करके रख दिया था। तो ये अच्छे से धुल गया, क्योंकि आलू होते हैं ना जो थोड़े मिट्टी के होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी में देर तक रखे रहो ना तो बस अच्छे से मिट्टी वगैरह निकल जाती है। तो मैंने अपने इसमें कढ़ाई को रख दिया है और इसमें सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। जी सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और हल्दी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते हुए उसके बाद मैं डालूंगी नमक, फिर हल्की सी मिर्ची, या डालूंगी नमक और उसको मध्य आंच में फिर मैं रख दूंगी। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपने आटा गूंदूंगी। अब तक सब्जी वगैरह मेरी थोड़ी सी ये बनती रहेगी, उसको मैंने गैस को मध्य आंच में कर दिया है और मेरी सब्जी आराम से बनती रहेगी। तो मैं जब तक ऐसा करती हूँ आटे को गूंद लेती हूँ।